तो भाई ये रहा लावा विलेज 2 मोबाइल, और ये रहा इसका चार्जर। तो आज की वीडियो में हम चार्जिंग टेस्ट करेंगे। इसके साथ हमें 18 वाट का चार्जर देखने को मिलता है, ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के। इसमें जो है एडेप्टर है, और ये जो केबल है यूएसबी टाइप सी, इसमें भी आप देख सकते हो यहाँ लावा लिखा हुआ है। तो चलिए हम करते हैं चार्जिंग टेस्ट और देखते हैं कितनी एक्चुअली ये टाइम लेता है फुल चार्ज होने में। अभी ये कम्प्लीटली जो है डिस्चार्ज हो चुका है। तो यहाँ पर हम टाइमर और जो चार्जर की बटन है उसको साथ में चालू कर देते हैं और फिर देखते हैं कितना टाइम लेगा ये मोबाइल फुल चार्ज होने में 0 से 100%। तो यहाँ पर देखिए पावर देते ही यहाँ पर एक लोगो बनकर आता है लावा का, पावर्ड बाय एंड्रॉयड लिखा जाता है। और 12 सेकंड में एक लोगो बनता है जिसमें लिखा हुआ है 0%, और ये बैटरी का एक एनिमेशन निकल कर आता है। और इसको 10 मिनट में, फिर इसी तरीके से 20 मिनट में, फिर आधे घंटे में, 1 घंटे में, इस तरीके से हम चेक करते रहेंगे बीच बीच में, और फिर देखते हैं कितनी देर लगती है इसको चार्ज होने में। जैसे अभी 10 मिनट हो चुके हैं और 10 मिनट में ये कितना चार्ज हुआ होगा देखते हैं फिर हम। और फिर हम इसको 10 मिनट में स्विच ऑन कर देंगे, क्योंकि हम वैसे भी स्विच ऑफ करके मोबाइल चार्ज नहीं करते हैं, हमें कॉल वगैरह आ जाती हैं, तो इसलिए स्विच ऑन करके ही चार्ज करना रहता है मोबाइल को। तो इसलिए हम इसको स्विच ऑन कर देंगे। वैसे भी जब स्विच ऑन मोबाइल रहता है तो मोबाइल में हेल्प होती है चार्ज होने में, सॉफ्टवेयर मदद करता है उसकी। तो यहाँ पर देखिए हम इसको 10 मिनट में ये करीब करीब 10% जो है चार्ज हो चुका है, उसको हम स्विच ऑन कर देते हैं ताकि हमें एक्चुअल टाइम पता रहे कि जब हमारा मोबाइल स्विच ऑन रहेगा तो कितना टाइम लेगा ये मोबाइल फुल चार्ज होने में। तो यहाँ पर देखते हैं कितना टाइम लेगा अभी तो ये उठने में, क्योंकि हमने स्विच ऑन किया है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको स्विच ऑन होने में। और दोस्तों इसकी लावा विलेज 2 की यदि आप और भी वीडियो चाहें देखना तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप इस मोबाइल को परचेज़ करने से पहले उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, उसमें मैंने गेम खेल कर दिखाया हुआ है, बैटरी चार्ज करके दिखाई है, और इसके जो अनबॉक्सिंग के कैमरा वगैरह दिखाए हुए हैं, अलग अलग फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक टेस्ट करके दिखाया हुआ है। तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी कि एक्चुअली में चीज़ें इसमें वर्क कैसी करें। टिप्स एंड ट्रिक्स में मैंने सारी की सारी जो सेटिंग्स हैं वो बताई हुई हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो उनसे आपको एक हेल्प मिलेगी जब आप इस मोबाइल को परचेज़ करने जाएँगे तब, ताकि आपको एक्चुअली में पता रहेगा कि क्या क्या इस मोबाइल में एक्चुअली में है और आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो वो सब जानकारी आप वहाँ से ले पाएंगे। और लिंक आपको प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देंगे, और आई बटन पर भी आप क्लिक करके उसकी जो लिंक है वहाँ से आपको मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में भी जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए शानदार तरीके लिखा था हैशटैग प्राउडली इंडियन, और 9:34 का भी समय हुआ है, देख सकते हो टाइमर में भी अभी 11:30 हो चुके हैं। और चलिए हम इसको बैटरी में जाकर आपको दिखा देते हैं कि अभी कितना एक्चुअली चार्ज है। वैसे तो 10 मिनट में 10% चार्ज हुआ है, लेकिन अभी 12 मिनट हो चुके हैं लगभग लगभग, तो समथिंग 11-12% के करीब ही हो जाना चाहिए था। वैसे देखा जाए तो 1 मिनट में 1% चार्ज हो रहा है, उस हिसाब से तो करीब 1 घंटे 40 मिनट में ये पूरा चार्ज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखोगे 11% बता रहा है और नीचे लिखा रहा है चार्जिंग 1 घंटा 17 मिनट बचे हैं पूरा चार्ज होने में। तो ये तो एक नॉर्मल टाइम बताता है, वो इससे ज़्यादा ही समय लगता है अक्सर मोबाइल को फुल चार्ज होने में। तो चलिए भाई हम बटन को बंद कर देते हैं और हम देखते हैं 10 मिनट के करीब 20 मिनट के बाद कि ये एक्चुअली तब कितना चार्ज हो चुका होगा। अब करीब करीब आधे घंटा हो चुका है, हम आधे घंटे में देखते हैं कि ये कितना चार्ज हुआ होगा। 10 मिनट में तो 10% हुआ था जब बंद था मोबाइल, अभी देखते हैं कि कितना परसेंट चार्ज हुआ होगा। तो अभी 32% जो है वो चार्ज हो चुका है आधे घंटे में, मतलब आप स्विच ऑन में लगाएं चाहे स्विच ऑफ करके लगाएं मोबाइल को चार्ज में, टाइम उतना ही लगने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप अभी करीब करीब 30 मिनट हुए हैं और 33% ये मोबाइल चार्ज हो चुका है, तो मतलब काफ़ी सही तरीके से चार्ज हो रहा है। आई होप कि 1 घंटा 40 मिनट ही लगे इसमें, क्योंकि मैंने एक बार चार्ज किया है इस मोबाइल को तो मैंने देखा नहीं था, लगा दिया था जस्ट, और फिर वो चार्ज हो गया था जब आया था तभी लगाया था। और ये सेकंड डे है मेरा इसको, जब ये कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो चुका था। तो देखते हैं अभी कि ये और कितना समय लेता है, हम कुछ समय बाद देखेंगे इसको कि तब कितना चार्ज हो चुका होगा। तो अभी करीब करीब 1 घंटा हो चुका है, हमने 10 मिनट में चेक किया था 10% था, 30 मिनट में 33% हुआ, और अभी इसको 1 घंटे हो चुका है चार्ज में लगे हुए। अब हम देखते हैं कि अब ये कितना चार्ज हो चुका होगा। तो चलिए हम चालू करके देख लेते हैं, 10:23 अभी समय हुआ है और 1 घंटा, हाँ 1 घंटा पूरा हो चुका है, और 1 घंटे में 64% जो है
वो ये मोबाइल चार्ज हो चुका है, मतलब काफ़ी सही स्पीड से जा रहा है भाई, 1 घंटे में 64% चार्ज हो चुका है। तो स्विच ऑफ करके आप लगाओ मोबाइल चार्ज में, चाहे स्विच ऑन करके लगाओ, टाइम उतना ही लगने वाला है, तो स्विच ऑन करके ही लगाना चाहिए, ठीक है। इससे थोड़ी सी और हेल्प मिलती है, मोबाइल में सॉफ्टवेयर हेल्प करता है फास्ट चार्जिंग, तभी तो जो है इनेबल होती है ना। चलो हम इसको थोड़ी देर बाद देखते हैं कि ये कितना तब चार्ज हो चुका होगा। तो अभी हम इसको सिंपली फिर से बंद करके और रख देते हैं, और अभी हम इसको कुछ समय बाद देखेंगे। तो अभी तकरीबन 1.5 घंटे हो चुके हैं, 1 घंटा 30 मिनट, और हम देखते हैं कि मोबाइल अब कितना चार्ज हुआ है। तो 10:53 जो है वो हो चुके हैं, और देखते हैं कि ये कितना चार्ज हुआ होगा। 91% दोस्तों ये चार्ज हो चुका है, 90 मिनट में 91%, मतलब 1 मिनट में आप कह सकते हो 1% ये मोबाइल चार्ज हो रहा है। और अभी आप देखोगे 91, 9 मिनट बचे हुए हैं, 9 मिनट लेफ्ट एंटिल फुल चार्ज, मतलब हो सकता है अगले 10 मिनट में ये पूरा चार्ज हो जाए। तो हम 10 मिनट बाद जो है इसको चेक करने वाले हैं, मतलब अगर 1 घंटे 40 मिनट में चार्ज हुआ तो मतलब मज़ा आ जाएगा, 18 वाट का चार्जर है। तो यहाँ पर देखो 1 घंटे 40 मिनट एग्जैक्टली हो चुके हैं, 10-12 सेकेंड बस बचे हुए हैं, तो उसको हम हो जाने देंगे। लेकिन काफ़ी सही स्पीड है दोस्तों, 18 वाट का चार्जर है, मेरे पास 33 वाट का चार्जर है, उसमें 5000 mAh की बैटरी है, रेडमी नोट 11 5G, उसमें करीब करीब 1 घंटे 20 मिनट लग जाते हैं चार्ज होने में। तो ये देखते हैं कितना टाइम लेगा। देखो 11:03 अभी हो चुके हैं और 1:40 हुआ है, 95% दोस्तों चार्ज हुआ है, मतलब ये 10 मिनट में 4% चार्ज हुआ है हम कह सकते हैं। भाई मुझे लग रहा है आपके 2 घंटे से ऊपर ले लेगा, क्योंकि ये लास्ट लास्ट में जो है चार्ज होने में टाइम लेता है, तो जाहिर सी बात है 5% में लगभग 15 मिनट के करीब ले लेगा। चलो हम फिर से इसको बंद कर देते हैं अभी, और फिर से जो हम चेक करेंगे, ठीक है। और 95% है, 5 मिनट दिखा रहा है उसमें, तो 5 मिनट बचे हुए हैं, लेकिन हम देखते हैं अभी। देखो ये 1 घंटा 50 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट बता रहा था, हम 10 मिनट बाद चेक कर रहे हैं, तो अभी देखते हैं कितना ये चार्ज हुआ होगा। वहाँ पर बता रहा था 5 मिनट में पूरा चार्ज हो जाएगा, लेकिन हमने फिर भी 10 मिनट वेट किया है, देखते हैं कितना चार्ज होता है। और ये दोस्तों चार्ज हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ उस तरीके से। तो ये देखो 98% चार्ज हुआ है, मतलब लास्ट 10 मिनट में ये 3% बस चार्ज हुआ है दोस्तों। तो ये आप कह सकते हो 91 तक तो ठीक है, 1 मिनट में 1% चार्ज हो रहा था, और फिर उसके बाद 10 मिनट में 4% हुआ, फिर 10 मिनट में 3% हुआ। अब देखते हैं कितना चार्ज होता है अगले कुछ देर में। अब 10 मिनट और हो चुके हैं दोस्तों, 2 घंटे पूरे के पूरे हो चुके हैं, अब देखते हैं 10 मिनट में 2% चार्ज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ है अभी, 1% दोस्तों 10 मिनट में चार्ज हुआ, मतलब एंडिंग के जो 10% वो काफ़ी समय लेकर जो है इसमें चार्ज हो रहे हैं, और खैर 1% लास्ट में चलती भी बहुत है। तो अभी भी देखो 2 मिनट यहाँ पर बता रहा है, लेकिन 2 मिनट से ज़्यादा ही लग जाएगा इसमें। तो चलो इसको हम बंद करके रख देते हैं अगले कुछ देर के लिए। और तो अभी दोस्तों मैं टाइमर को, इसको स्टॉपवॉच को बंद कर देता हूँ, 1 घंटा 5 मिनट का टाइमर लगा देते हैं, 5 मिनट में 1% हो जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी इसमें जो है समय लग चुका है, 10 मिनट में 1% ही चार्ज हुआ था, तो अब 5 मिनट लगेंगे मुश्किल से 1% चार्ज होने के लिए। तो चलिए अब 1 मिनट बचा है, 4 मिनट हो चुके हैं, एक बार देख लेते हैं कितना ये चार्ज हो चुका है। और यहाँ पर ये देखिए 100% चार्ज हो चुका है, लेकिन यहाँ पर फिर भी लिखा रहा है 1 मिनट लेफ्ट एंटिल फुल चार्ज, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये कंप्लीट अब चार्ज हो चुका है, तो ठीक है। तो दोस्तों लगभग लगभग इसमें लगा हमें 2 घंटे और 5 मिनट का समय, और जिसमें ये मोबाइल पूरा कम्प्लीटली चार्ज हो गया है। तो दोस्तों ये है लावा ब्लेज 2, और जिसके रिलेटेड यदि आप और वीडियो देखना चाहें तो आप, हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। और हम मिलेंगे दोस्तों फिर किसी वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।